नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की विशेष खबर पर। नागालैंड में बवाल घुसाई भीड़ ने सरकारी दफ्तरों में की तोड़फोड़, लगाई आग। शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव का विरोध करते हुए लोगों ने नागालैंड की राजधानी कोहिमा में गुरुवार को राज्य चुनाव आयोग और उपायुक्त के कार्यालय में तोड़फोड़ की तथा कोहिमा नगर परिषद की इमारत को आग के हवाले कर दिया। हिंसा के बाद शहर में अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय और आबकारी विभाग के कार्यालय को भी हिंसक भीड़ ने आग के हवाले कर दिया। ये लोग जनजातीय समूहों के विरोध के बावजूद चुनाव के लिए आगे बढ़ने को लेकर मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग और उनकी पूरी कैबिनेट का इस्तीफा मांग रहे थे। जनजातीय समूह नगर निकायों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के खिलाफ है। हालांकि इन सभी घटनाओं की पुलिस ने फिलहाल पुष्टि नहीं की है। इससे पहले दिन में नागालैंड ट्राइबल एक्शन कमेटी ने जेलियांग और उनकी कैबिनेट को शाम 4 बजे तक इस्तीफा देने, दीमापुर पुलिस आयुक्त को हटाने और चुनाव को अवैध एवं अमान्य घोषित करने का अल्टीमेटम दिया। एनटीएसी ने राजभवन को एक ज्ञापन भी सौंपा है। हालांकि राज्यपाल पीवी आचार्य ईटानगर में है, उनके पास अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल का भी प्रभार है। एनटीएसी के दबाव में जेलियांग के चुनाव प्रक्रिया को अमान्य घोषित कर दिया और दीमापुर के पुलिस आयुक्त एवं पुलिस उपायुक्त का भी तबादला कर दिया गया ताकि मंगलवार को हुई गोलीबारी की घटना की निष्पक्ष जांच हो सके। इस घटना में 2 प्रदर्शनकारी युवक मारे गए थे, जिसके बाद से राज्य में रोष पनप रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री की घोषणाएं 4 बजे की समय सीमा समाप्त होने से पहले ही हुई और फिर भीड़ हिंसक हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने नागालैंड के सीएम टीआर जेलियांग के आवास पर भी हमला किया है। और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू का बयान, भारत पाक सीमा पर लगेगी स्मार्ट गार्ड। ट्रंप के सहयोगी बोले, दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन से हो सकता है अमेरिका का युद्ध। जयंत चौधरी बोले, गठबंधन के लिए फोन पर रोए थे मुलायम। ट्रंप ने कहा, सहिष्णुता एवं संयम का आदर्श है जॉर्डन। 3,700 करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी करने वाला नोएडा से गिरफ्तार।